नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। करनाल में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में कैथल में शनिवार को लगाए गए जाम के मामले में पुलिस ने देर रात दो थानों में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें करीब 85 किसानों को आरोपित बताया गया है। सबसे ज्यादा तीतरम मोड़ पर जाम लगाने में शामिल रहे 75 किसान नेताओं पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पटियाला रोड को भी जाम करने वाले 10 किसानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हेड कांस्टेबल नरेश कुमार की शिकायत में बताया गया है कि दोपहर बाद तीतरा मोड़ पर गैर कानूनी तरीके से कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों की अवहेलना कर नेशनल हाईवे 152 पुल के नीचे और ऊपर दोनों ही जगहों पर जाम लगाया गया है। इस दौरान लगभग 100 लोग मौजूद रहे, जो भारतीय किसान के बैनर तले नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने 50 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी प्रकार गुहला के नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि सब डिविजनल गुहला में हांसी उठाना नहर पुल के पास 70 लोग भारतीय किसान यूनियन के नारे लगाते हुए नारेबाजी कर पटियाला चिका रोड जाम किए हुए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने 85 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं होशियार सिंह, जिला प्रधान कैथल, बी के यू चढ़ोनी। जो सरकार ने 85 किसान देवता जो तितर मोड़ जाम करने के एवज में केस दर्ज किए हैं और 10 केस किए हैं चीका पुलिस ने, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। अगर केस करने का इतना ही शौक है तो उस इंस्पेक्टर पर केस करो 302 का, जिन्होंने हमारा भाई शहीद हुआ है काजल साहब, और केस करना है तो उस SDM पे करो जिन्होंने ये लाठी चार्ज करवाई है, जिन्होंने दंगे भड़कवाए हैं। केस करना है तो खट्टर पे कराओ, जो भी है कि हमारी अमन चैन का भाईचारा तोड़ने का काम करता है। लेकिन हम ये जो केस किए, इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं, और केस तो आंदोलनकारियों के घने होते हैं। आप जितना जोर लगाना लगाओ, पहले भी केस हैं, अगर दम है तो हमारे भाइयों को पकड़ के दिखाओ, और अगर आपने गिरफ्तारी करनी है तो आप जेल कर दरवाजे खोलो। जितने कहोगे हम इतने आने के लिए तैयार हैं। इन दम क्यों से डरने वाले नहीं हैं। जय जवान जय किसान, और सभी साथियों ने रोध है, घबराने की बात नहीं है। पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।